Hey guys, welcome back to my channel. I'm Jay and we are back with another video. आज का हमारा lesson है beginners lesson and आज हम ये lesson में देखेंगे कि किस तरह guitar hold करते हैं, किस तरह pick hold करते हैं. So ये lesson एकदम जो एकदम first time guitar play कर रहे हैं उन लोगों के लिए है. And अगर आप उनमें से एक हैं तो ये lesson last तक देखिए ताकि आपको guitar पकड़ना अच्छे से आ जाए. So start करते हैं आज का lesson. And अगर आप मेरे channel पे new हैं तो subscribe कीजिए and बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे आगे के सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले. सो गाइस, अब देखते हैं गिटार किस तरह होल्ड करते हैं एंड मैं आपको तीन टिप्स दूंगा गिटार होल्ड करने की. एंड गाइस, ये टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलो कीजिए ताकि आपको बाद में मुश्किल ना हो गिटार होल्ड करने में. सो आपकी जो फर्स्ट टिप है वो है, आप गिटार ऑलवेज आपके राइट फुट पर रखिए. आई मीन अगर आप लेफ्टी है तो आपके लेफ्ट फुट पर गिटार इस तरह आएगा एंड अगर आप राइटी हैं तो आपके राइट फुट पे गिटार इस तरह आएगा. आपके ऑलवेज प्रिफर्ड फुट पे होना चाहिए गिटार. कुछ लोग रॉन्ग फुट पे गिटार रखते हैं इस तरह, बट वो राइट वे नहीं है होल्ड करने का. सो आप इस तरह गिटार रखिए राइट फुट पे ताकि आप इजीली स्ट्रम कर सकें एंड कॉर्ड्स होल्ड कर सकें. सो ये थी आपकी गाइस फर्स्ट टिप. आपकी जो सेकंड टिप है वो है गाइस, जितना हो सके गिटार को अपने बॉडी के पास रखिए एंड स्ट्रेट बैठने का ट्राई कीजिए. उससे एक अच्छा गेस्चर मिलता है गिटार होल्ड करने के लिए. एंड आपकी जो थर्ड टिप है गाइस वो है, कॉर्ड्स होल्ड करते वक्त जब आप फ्रेट बोर्ड पकड़ते हैं तो आपको फ्रेट बोर्ड पे आपका जो थंब है वो फ्रेट बोर्ड के पीछे रखना है ताकि आपके जितने भी फिंगर्स हैं वो लास्ट स्ट्रिंग्स तक जा सके ताकि आप इजीली कॉर्ड्स होल्ड कर सकें. एंड कुछ लोग इस तरह रखते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं जिनको कोई गाइड नहीं करता है वो इस तरह सीख जाते हैं तो उनको बाद में कॉर्ड्स होल्ड करने में बहुत दिक्कत होती है. सो आपको ये इस तरह नहीं रखना है थंब, आपको थंब आपका फ्लैट बोर्ड के पीछे रखना है इस तरह. अब देखिए, सो ताकि आप कोई भी कॉर्ड इजीली पकड़ सकें, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी स्ट्रेचिंग में. सो फ्लैट बोर्ड के पीछे होना चाहिए. और जब आप बार कोड सीखेंगे तब भी आपको थंब का वहाँ काम आएगा क्योंकि आपको थंब से बार करना पड़ेगा पुश करके. सो इस तरह होल्ड करते हैं गाइस. ये आपकी तीन टिप्स थी गिटार की. एंड अब हम बात करेंगे प्लेक्ट्रम की. सो गाइज, मैं अब आपको बताऊंगा किस तरह पिक होल्ड करते हैं. गाइज ये होती है आपकी पिक, ध्यान से देखिए. मेरे पास कैडेंस की पिक है 0.46 mm की. एंड ये आपके इसे बोलते हैं प्लेक्ट्रम, शॉर्ट में इसे पिक बोलते हैं. पिक मोस्टली टैप्स प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं. जब आप सिंगल स्ट्रिंग्स पे जब टैप्स प्ले होता है तब पिक्स यूज होती हैं. सो मैं आपको बताऊंगा इसे होल्ड कैसे करते हैं. सो आपको गाइस पिक इस तरह होल्ड करनी होती है, इतना सा पार्ट आपका बचता है. इस तरह पिक कभी नहीं होल्ड करते हैं, पिक होल्ड करते हैं इस तरह. सो आपको बेसिकली करना क्या है, आपका जो थंब है वो हाफ वे ऐसे जाएगा एंड आपके जो इंडेक्स फिंगर हो पीछे ट्रायंगल को फॉलो करते हुए स्ट्रेट ऐसे जाएगी. सो ये आपका बेस्ट वे है पिक होल्ड करने का. एंड इतना सा पार्ट बचना चाहिए गाइस ताकि आप स्ट्रिंग्स प्लग कर सकें. सो दैट्स द बेस्ट वे टू होल्ड अ पिक. एंड गाइज, मैंने आपको गिटार होल्ड करना बता दिया है, मैंने आपको पिक के बारे में बता दिया. सो आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी रिलीज करूँगा एंड देखते रहिए मेरे वीडियोज़. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग.